साल पहले की बात है। एक दिन गैब्रियल नाम का फरिश्ता एक जवान ज्यूइश औरत के सामने आया, जिसका नाम था मेरी। मैं इस अचानक आई खबर से परेशान हूँ। जैसा आप कह रहे हैं वो कैसे होगा? मैं अभी कुंवारी हूँ, पर मुझे ईश्वर पर भरोसा है और मैं ईश्वर की सेवक हूँ, उसी की रचना हूँ, तो जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। मेरी और उसका होने वाला पति जोसेफ नाजरेथ नाम के शहर में रहते थे। वो बेथलेम शहर की ओर गए सेंसस में अपना नाम लिखाने के लिए, जैसे कि रोमन शहंशाह सीजर अगस्तस ने हुक्म दिया था। नाजरेथ से बेथलेहम की दूरी 65 मील की थी, इसलिए उन्हें कई दिनों तक सफर करना पड़ा। जोसेफ और मैरी बेथलेहम पहुंच गए। मैरी, लौटने तक तुम यहीं ठहरो, चाहो तो थोड़ा आराम कर लो। मैं आज रात यहाँ ठहरने का बंदोबस्त करता हूँ। जोसेफ रहने के लिए जगह ढूंढ रहा था, लेकिन सारी जगह पहले से ही भरी हुई थी। क्या तुम्हें कोई जगह मिली? अब तक तो मुझे कोई जगह नहीं मिली है। उन्होंने अपनी रात एक अस्तबल में निकाली, एक ऐसी जगह जहाँ जानवरों को रखते हैं। सिर्फ यही एक जगह है जो रात गुजारने को मिली है। रुको, मैं जाकर ताजा घास फूस लेकर आता हूँ, ताकि तुम उस पर आराम से सो सको। उस रात जीसस ने जन्म लिया। उनके पास पालना नहीं था, इसलिए उन्होंने बच्चे को मेंजर में सुलाया, जिसमें जानवरों को खाना दिया जाता है। उस मेंजर में ताजी घास रखी गई, ताकि बच्चा उसमें आराम से सो पाए। उस रात बेथलेहम के पास खेतों में कुछ गठरिये थे, जो वहाँ भेड़ियों के एक झुंड की रखवाली कर रहे थे। एक फरिश्ता उनके सामने आया। मेरे पास आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि एक ईश्वर के अवतार ने जन्म लिया है। क्या एक अवतार? क्या हम उसे देख सकते हैं? बताओ हमें कि वो कहाँ है। तुम उसे मेंजर पर लेटा हुआ पाओगे। तो फिर चलो उस अवतार से मिलकर आते हैं। गढ़रिये जल्दी से बेथलेहम पहुँचे और उन्होंने जीसस को मेंजर में पाया, जैसा कि फरिश्ते ने उसे कहा था। क्या मैं जान सकती हूँ आप लोग कौन हैं? ओह पवित्र माँ, हम यहाँ ईश्वर के अवतार को देखने आए हैं। मेरे बच्चे के बारे में आपको कैसे खबर मिली? जब हम अपने खेतों में काम कर रहे थे, एक फरिश्ता हमारे सामने प्रकट हुआ और उन्होंने हमें इस अवतार के जन्म के बारे में बताया। हाँ, मेरी खुशकिस्मती है कि मैं इस अवतार की माँ हूँ। जीसस से मिलने के बाद उन्होंने ये खबर हर तरफ फैला दी और जिन्होंने भी ये खबर सुनी वो चौंक गए। कुछ वक्त बीतने के बाद पूर्वी देश के तीन सज्जन आदमियों को आसमान में एक तारा दिखा। ए, तुमने देखा वो तारा जो सबसे ज्यादा जगमगा रहा है? ये तो दिखने में बहुत ही अलग लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि वो हमें शायद कोई संदेश देना चाह रहा है। देखो वो आगे बढ़ रहा है, चलो उसका पीछा करें। फिर तीन सज्जनों ने उस तारे का पीछा किया। वो एक स्थान पर जाकर पहुँचे जिसका नाम था जूडिया, और जूडिया के राजा का नाम था हेरोड। हेरोड ने उन तीन सज्जनों को मुलाकात करने के लिए बुलाया। मैंने सुना है कि एक नए राजा का जन्म हुआ है, मैं उन्हें देखना चाहता हूँ। अगली बार जब आप यहाँ से गुजरें, तो कृपया करके मुझे बताएं कि वो कहाँ है, ठीक है? जैसी आपकी आज्ञा हुजूर, हम लौटते वक्त आपको इत्तला करेंगे। उन तीनों ने तारे का पीछा जारी रखा। वो तारा सीधा अस्तबल के ऊपर पहुँच गया और गायब हो गया। वो तीन सज्जन अस्तबल के अंदर चले गए। ये हमारे नए राजा हैं। उन्होंने बच्चे के आगे सर झुकाया। उन्होंने उसे सोने के उपहार दिए, ऐसे ऐसे तोहफे दिए जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। उस रात जब सभी सो रहे थे, एक सज्जन को सपना आया।
लौटते समय राजा हेरोड के पास मत जाना, उससे मुलाकात मत करना। अगले दिन तीन सज्जनों ने घर जाने के लिए दूसरा रास्ता चुना। राजा हेरोड ने उन तीन सज्जनों से झूठ बोला था कि वो जीसस को पूजना चाहते हैं। वो नया राजा, मुझे उससे डर है कि कहीं वो मेरी जगह लेकर चुड़िया का राजा न बन जाए। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा और उसे खत्म कर दूंगा। उसे ये बात पता नहीं थी कि जीसस बड़ा होकर देवताओं का राजा बनेगा, धर्म का राजा, ना कि सिर्फ चुड़िया का राजा। राजा हेरोड उन तीनों सज्जनों का इंतजार कर रहे थे। इतनी हिम्मत, ना ही वो लौटे और ना ही ये बताए कि जीसस कहाँ है। याद रखूंगा कि उन्हें ना बख्शूं। कोई बात नहीं, मैं अपने सिपाहियों को बेथलम भेजूंगा और उन्हें आज्ञा दूंगा कि वे 2 साल से कम के सारे बच्चों को मार दें। मुझे यकीन है कि उन सभी बच्चों में जीसस भी होना चाहिए। बेथलहम में जोसेफ को एक सपना आया। जोसेफ, इजिप्ट की ओर जाओ, राजा हेरोड जीसस को मारने के लिए उसे ढूंढ रहे हैं, इसलिए इजिप्ट चले जाओ जहां वो मुनासिब रहेगा। अगले दिन सुबह, मैरी तैयार हो जाओ, हमें ये जगह जल्द से जल्द छोड़नी होगी। ऐसा क्यों हुआ? क्या हम लोग अपने घर वापस नहीं जा सकते? नहीं, फिलहाल इस बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। मैं सफर के दौरान तुम्हें सब बता दूंगा। जोसेफ मेरी और जीसस के साथ इजिप्ट के लिए निकल गया, जहां वो हेरोड से सुरक्षित रह सके। जोसेफ मेरी और जीसस इजिप्ट में तब तक रहे जब तक हेरोड गुजर नहीं गया और फिर नाजरेथ आ गए।